फाइनली जी हम सैनी मॉनेस्ट्री पे आए, मतलब मॉनेस्ट्री क्या, यहाँ पे एक लॉर्ड बुद्धा का बड़ा सा स्टैचू है और ये लेक है, सैनी लेक कहते हैं इसको। अगर आप जीपीएस पे डालोगे तो सैनी लेक डालना, और ये सामने बहुत ही खूबसूरत है। देखो सामने पहाड़ क्या मस्त लग रहे हैं यार, उधर क्लाउड का फॉर्मेशन देखो, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। और ना ज़्यादा हवा नहीं चल रही है तो विंड ब्लास्ट और विंड नॉइज़ नहीं आ रहा है। बाकी शायद ये कुछ बन रहा है यहाँ पे मॉनेस्ट्री, शायद उसका कुछ टेंपल बन रहा है। और ये टावर देख सकते हो आप, ये टावर याद रखना, हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, वापस इस टावर के पास आए, लोगों से पूछा और फिर यहाँ पे आ गए। तो अच्छा जियो का नेटवर्क भी यहाँ पे अच्छा आ रहा होगा। तो मुझे जैकेट उतार देनी चाहिए, उतार दूँ क्या? चलो छोड़ो यार, एक पतला सा जैकेट भी ठीक है, सनबर्न यहाँ पे ना बहुत जल्दी हो, धूप में सड़ जाऊंगा। उतार दूँ? चलो भाई, भाई ने कहा उतार दो तो उतार दो। पानी इतना साफ है ना यहाँ का, अभी वापस से विंड स्टार्ट हो गया। देखो एक याक पानी के अंदर ही घुस के खा रही है, ये जो पेड़ मतलब बेसिकली जो ग्रास है ना वो खा रही है। और इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा। ये स्टैचू यहाँ पे मैसिव, मतलब ये रोड से ही ना, मेन रोड है ये जो सामने आपको ना रोड दिख रहा था जिससे हम गए थे, वो सीधा के सीधा यहाँ से ना कारगिल जाता है। और लास्ट टाइम भी हमने ये देखा था लेकिन हम यहाँ पर रुक नहीं पाए थे। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, अच्छी धूप निकली है, मतलब टी शर्ट में फिर भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, बस जब हवा चल रही है तो हल्की फुल्की सी ठंड लग रही है। ज़बरदस्त है यार ये लोकेशन, बहुत ही अमेजिंग है। ज़ांस्कार के लिए जितना भी कह लो ना यार, जब तक आप आके एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो ना, आपको वो फील नहीं आएगी। जी अब यहाँ से निकल रहे हैं, एक घंटे दूर एक और मॉनेस्ट्री है यहाँ पे, क्या नाम है? अच्छा आपको भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता, तो हम अपनी रेड गाड़ी को फॉलो करेंगे और उनके पीछे पीछे पहुँच जाएंगे। तो वो भी जगह काफ़ी सुंदर है, मतलब जब भी आप डांस कर रहे हो तो तीन चार जगह है यहाँ पे जो आप घूम सकते हो। बट ये वाला जो ये सैनी मॉनेस्ट्री है ना, ये जो सैनी लेक है, वाकई में बहुत खूबसूरत है यार। और देखो पहाड़ों पर मौसम कितना ख़राब हो गया, आपको क्लाउड्स नजर आ रहे होंगे, ऊपर स्नोफॉल पक्का 101% स्टार्ट हो गई होगी। और इधर भी देखो, ये देख रहे हो पीछे, अभी दिख कितना गंदा बादल, एकदम काला बादल, एकदम काला बादल। And this entire trip has been sponsored by Budmo.com. They are the biggest spare part expert. आपको अपनी गाड़ी का कोई भी spare part चाहिए तो आप Budmo से जाके अपने घर पे डायरेक्टली मंगा सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉम्पोनेंट मैनुफेक्चर के ऑप्शन मिलते हैं, तो प्राइसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्लस दे हैव 10 डेज ऑफ अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी। सो गाड़ी के स्पेयर पार्ट के लिए Budmo.com, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऐसा लग रहा है चोटियां दिख ही नहीं रही है ना, जो माउंटेन पीक है कवर्ड है, गजब ही सुंदर हो गया है ना। यहाँ पे ना हर वेदर में आपको अलग ही कुछ देखने को मिलता है, कभी स्नो पीक माउंटेन्स, कभी ऐसा धूप आ रहा है, कभी एक देखो इस साइड इस माउंटेन पे धूप पड़ रहा है और उस साइड देखो एकदम ही अलग है, एकदम ही अलग। रोड्स इतने बदले ना, सामने से एक गाड़ी आई तो हम दोनों को इसके अंदर घुसाना पड़ा, तब जाके वो गाड़ी निकल पाई। तो अब निकाल रहे हैं वापस से। रोड्स क्या ही है या मतलब क्या ही दिख रहा होगा आपको, देखो ये है रोड्स, ठीक है। अरे सॉरी रिवर्स गियर था। पानी हुआ है, बारिश, बारिश हो गई शुरू भाई। अब मेरे को लगता है 200-300 मीटर भी अगर हाइट अटेन करेंगे ना, और हाँ तो बर्फ बर्फ बर्फ, ये देखो ना पूरा उस समय दिखाई तो रहे थे कि तो, मतलब झन्नाटेदार बारिश तो नहीं हो रही है, बट हाँ ऐसा भी नहीं हो रहा है कि भाई एक दो ड्रॉप्स, कंटिन्यूसली ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं। मौसम ना आज बहुत ऊपर नीचे होता रहा, करवट बदलता है बार बार। हाँ
क्या बदल रहा है? करवट। अच्छा करवट बदल रहा है। चंद्रू का फुल मजा खोल दूं ना यो। देख लो भाई हमारी टांट निकली हो जाएगी। टांट डायरेक्ट टट 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 करके। आज तो होटल में रुके थे ना लिए थे। हां भाई हमने ये प्लान किया है कि आज हम सुलेश भाई को बोलेंगे कि आज कैंपिंग नहीं करते। बारिश भी पॉसिबल भी नहीं होगा भाई। पॉसिबल भी नहीं होगा और पता है तबीयत भी खराब होने का ज्यादा चांसेस रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक प्लस पूरा गाड़ी अंदर से ना किचड़ किचड़ हो जाएगा। और कल सुबह हमें लद्दाख के लिए मतलब लेह के लिए निकलना है तो ना वही सब समेटते समेटते ना काफी टाइम निकल जाएगा। इतने सारे ड्राई फ्रूट लेके आना। मजा आ रहा है ना? मजा आ गया भाई। पौष्टिक आहार। पौष्टिक पौष्टिक भैया मार मत देना। आप मार दिए तो बचेंगे नहीं। आपका कुछ जाएगा नहीं और हमारा कुछ बचेगा नहीं। ये अभी कुछ गिरा क्या? किसी पर पत्थर गिरा क्या? पता नहीं समझ। और क्या होगा भाई? ये गाड़ी पलट भी सकती है। ऊपर छत पलटी है। ऑल ओके सर? ऑल ओके? ऑल ओके? कोई हेल्प की तो जरूरत नहीं? ओके ठीक है, ध्यान रखना। क्या पलट गई थी क्या? ओके ओके। हाँ पूरे बहुत बुरा नुकसान हो गया ना भाई का। झूले किलो के बाद है। पतला रास्ता है ना, एकदम कच्चा। मेन रोड से कहीं अलग आ गए हम और ये यहाँ पे ऐसा रास्ता है। अब आपको दिख ही रहा होगा भाई, बारिश भी पड़ रही है उधर, धूप भी निकल रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है आज। अलग अलग शादी हो रही है। कौवे की शादी हो रही है। कौवे की शादी है? सियार की शादी? पता नहीं कोई कौवा बोलता है, कोई सियार होता है। सियार बोलता है। अपने को क्या करना है? किसी की तो हो रही है। हाँ किसी की शादी हो रही है भाई आज। ओ सीरियसली क्या झन्नाटेदार लग रहा है ना। हाँ भाई आसमान तो गजब ही लग रहा है यार, बहुत ही। क्या निकाल रहे हैं? चिप्स भाई ले लेते हैं। तकला ही। हाँ वो प्रोटीन भी होगे। हाँ प्रोटीन भी लेंगे कुछ और। ये नवरत्न या? हाँ नवरत्न या कुछ ले लेते हैं ना। हाँ उसको रख लेते हैं। इसको रख दे, ये साला उससे पेट भी नहीं भरता। हाँ दो रख लो ना। इंटरनेट नहीं है, समझ में नहीं आएगा ना कैसे रीड करेगी। सुन क्यों रही है? पता नहीं। आगे रोड भी नहीं है भैया। गाड़ी हमने साइड में लगा दी है तो ये मॉनेस्ट्री है जोंकुल। कितनी सही लग रही है ना दोनों गाड़ियां। देखो एक वहां लगी है और अपनी इधर लगी है भाई। बहुत सही है। सामने ग्लेशियर्स देखो, ये पानी बन के ना इस नदी में आ रहे हैं। कितना सुंदर है यार। एकदम ये आउटस्कर्ट्स है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोई आता नहीं और अल्टीट्यूड भी ज़्यादा है यार। घड़ी पहना है ना, देखता हूँ। ये देखो 3844 मीटर। ओह ऊपर चढ़ने में ना थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब होती है, स्पेशली जब सीढ़ियाँ रहे ना। अरे ये दूसरी जगह जाती है, ये दूसरी जगह। तो जी ये है जोंकुल मॉनेस्ट्री। अब क्या है ना कि ये अभी फ़िलहाल बंद है और जो लामाज हैं वो 6 o'clock आएंगे। अभी फ़िलहाल टाइम कितना हो रहा है? अरे ये क्या है? हैं ये तो टाट तो भाई भैया एकदम ऐसा लग रहा है टाट पर रजाई आ गई। टाट पे ऐसा भी नहीं आ रहा है मैं। ये देखो हार्ट बीट दिख रहा है। अरे यार तो शीरी यार। ये देखो अभी अभी थोड़ी देर पहले तक ना 159 था हार्ट बीट। बहुत तेज़ यार। ऊपर थोड़ा सा चढ़ो ना, ऑक्सीजन इतना कम है ना। और जबकि हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है,
बड़ी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आने तक में ना हार्ट बीट इतनी तेज हो गई ना, मौसम गजब खराब हुआ है ना आज। यहाँ पहाड़ों का ना यही है भाई, मौसम कभी भी खराब हो जाता है। नहीं नहीं बर्फ पड़ रही है, इट्स स्नोइंग। ओह भाई ठंड कितनी ज्यादा ना, कान वान तो एकदम सुन्न पड़ गए। पता नहीं चल रहा तुम हाँ था? चलो चलो आओ गाड़ी में बैठे भाई, गाड़ी में बैठे। ओह बहुत मजा है भाई यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे ना बर्फ पड़नी स्टार्ट हो गई है, तो हम नीचे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में जाके बैठे हैं, क्योंकि यहाँ से ना अपना पदुम का डिस्टेंस भी काफी है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से करीब लगना चाहिए। ओह सांस ही नहीं लिया यार, ऑक्सीजन इतनी कम हो जाए, ठंड इतनी ज्यादा, नाक पूरा ना फ्रोजन हो गया भाई, फ्रोजन जिसको कहते हैं ना फ्रोजन नाक। और देखो यहाँ पे ना गेट लग रहा है, तो ये पत्थर लोग ऊपर लाते हैं, फिर इसको काट के इसको पतला करके एक साइज में एडजस्ट करते हैं इस तरह, और फिर ये गेट बनाते हैं। क्या आदमी है ये बताओ, पीछे से आके डरा दिया। भाई साहब सही में यार, टांट इनकी तो टांट में सबसे ज्यादा ठंड, आपकी टांट में ठंड नहीं लग रहा? नहीं भाई, गर्मी आ रही है ऊपर में। अच्छा चलो तुझे करता रहूंगा प्यार। फिर पदुम कितना दिखा रहा है, 1 hour 11 minutes 29 kilometers। मौसम बहुत खराब हो गया आज, अब ये डर है कि कल हमें ना 2-3 passes क्रॉस करने हैं, अगर ज़्यादा मौसम खराब होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है ना, लैंडस्लाइड वगैरह, तो वो पासेस बंद हो जाएंगे, फिर अपने पास ना ऑप्शन कम बचेंगे। तो भगवान ना करेगा ऐसा कुछ हो, बाकी अभी थोड़ा सा अंदर आके अच्छा लग रहा है, कान वान एकदम सुन्न पड़ गए भाई। डीजल ले क्योंकि हमें निकलना है ले, इसलिए डीजल ले ले। हां यहां से फुल टैंक लेवल अप करा लेंगे भाई, 95 रुपीस लीटर है भाई, यहां महंगा है। हां यहां महंगा, हिमाचल के कंपैरिजन में तो महंगा है, सबसे सस्ता डीजल ना हिमाचल में। और वो देखो सामने क्या नजारे यार, धूप आई हुई है वहां पे तो, और इस साइड देखो, इस साइड ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, कौन में जा रहे थे भाई, इस साइड ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। क्या कोई है नहीं, क्या खुद से डाल लें क्या? मैं डाल दूं अगली बार आऊंगा, लद्दाख आऊंगा अगली बार दे दूंगा, उधार देखो ना। भैया भी हंस रहे हैं, सुनो सुनो भैया कह रहे हैं हाँ उधार मिलेगा, तुम पीछे तो चलो, तुम पीछे जाओ 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 भाई, फिर तो बारी बट्टा कर लेंगे भाई, बारी बट्टा कर लेंगे भाई, तो मैं भी लूंगा फीस। भैया खुल गया ना डीजल टैंक, भैया मैं अमीर लोगों के साथ पहली बार जा रहा हूँ, पता है आपको, मैं अमीर लोग हैं, सामने बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब है, ये बहुत बड़े पिक्चर हो गए, चलो पिक्चर अच्छा बनेगा, पैसे बाद में दे देंगे ना, आप फोटो खींच लो मेरी अपनी आंखों से। हाँ थार भी हमारे साथ है, पैसे ज्यादा ले लेना। अरे सुनो तो ये पीछे ऐसे मालिक के ना रील बना रहे थे पीछे बैठ के, तो इसलिए बैठे। कौन रील क्या होता है, मैं मालिक हूँ भैया, आप गाड़ी चलाओ यार, आप इसलिए बैठे हो, मालिक हूँ मैं, हम रील बना रहे हैं, रील रील बना रहे हाँ, मैं मालिक हूँ भाई, रील मुझे पता नहीं क्या होती पीछे है, बैठा कैसे रील बना रहे हो, रील बना रहे हो, रील बना रहे हो, रील बना रहे, रील रील खेल रहे, रील रील बना रहे, कहीं रील 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 नहीं बन रही, रेल बन रही, रेल 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 तो नहीं बना रहे मेरे भाई की। आज हम एक बड़े होटल पे आए, क्योंकि हमें बताया गया कि ये वाला होटल में ना सेंट्रलाइज हीटिंग है, तो अपन आराम से टी शर्ट वी शर्ट में बैठ सकते हैं, प्लस आज हम जल्दी पोर्टल आइए, पोर्टल आइए,
ओके ठीक है, आ जाओ भैया, वेट कर रहे हैं नेगोशिएशन के लिए, जो अच्छा नेगोशिएट करता है वो आना। तो जी ये है हमारा आज का स्टे, क्वाइट ब्यूटीफुल। अरे हम यहाँ से भी आ सकते थे क्या? चिकन करी ठीक है ना? हाँ चिकन करी। भैया चाय एकदम कड़क करना, मुंह में छान देना एकदम। ये रूम काफी अच्छा है, वॉशरूम वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, बेड वेड। और देखो यहाँ पे ना अपने वाला, हाँ आपके साथ ही कांड हुआ था पिछली जगह। अच्छा ऑसम खाना है यार, बहुत मस्त खाना है। हाँ आलू जीरा फ्रेश फ्रेश ना, आफ्टर 3 days वी आर हैविंग सच अ गुड डिनर एंड दिस मजा आ गया। दिस कर्ड इज मेड फ्रॉम याक्स कर्ड, राक्स याक्स मिल्क, दिस याक्स मादा याक्स मिल्क। मादा याक्स मादा एक्चुअली बड़ा मजेदार लगा।